हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इंजिस ऑटो इंजिस के बारे में। मैं छोटी सी एक जानकारी देने वाला हूँ कि कौन सा इंजिस कहाँ पे लगता है, कौन सी 8 डिग्री का इंजिस कहाँ पे लगता है, 0 डिग्री का इंजिस कहाँ पे लगता है और 15 डिग्री यानी कि 16 डिग्री का इंजिस कहाँ पे यूज होता है, वो पूरा मैं आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये छोटी सी एक जानकारी है नए मिस्त्री भाइयों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे से आगे ऐसे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। तो दोस्तों, आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे 0 डिग्री के इंजिस की, जिसमें आपने क्या बताइए 0 डिग्री का इंजिस है, CNR कंपनी का है, क्वालिटी अच्छा है और इसकी प्राइस आप देख सकते हैं तो 260 रुपये पर पीस की लिखी हुई है। तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये 0 डिग्री के इंजिस है और अभी मैं बात करूँगा, अभी आपको पता कैसे लगाना है कि 0 डिग्री का इंजिस है ये, और ये आपको 8 डिग्री का इंजिस है। आप देख सकते हो ये 8 डिग्री का इंजिस है और अभी ये अपने ये 16 डिग्री का इंजिस है। अभी आपको पता कैसे लगाना है कि 8 डिग्री का इंजिस कौन सा है, 0 डिग्री का इंजिस कौन सा है और 16 डिग्री का इंजिस कौन सा है, तो वही बात आप मैं बताने वाला हूँ। तो 0 डिग्री का इंजिस कहाँ पे यूज होता है और क्या पता रहता है इसका। 0 डिग्री की पहचान इंजिस की ये है कि यहाँ से जो ये दिख रहा है ये भाग वाला, ये देख लीजिए ये जो भाग दिख रहा है आपका, ये पूरा फ्लैट रहेगा, पूरा परफेक्ट, मतलब कोई भी इसमें स्टेप नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ से ये जो मूवमेंट होता है, यहाँ से अंतर घुसा है, यहाँ से ये लास्ट तक आपका पूरा प्लेन है। तो इसका मतलब ये 0 डिग्री का इंजिस हो गया। तो ये इंजिस यूज कहाँ होता है वो मैं बता देता हूँ। 0 डिग्री का इंजिस आपका यहाँ यूज होता है, देख लीजिए ये पूरा यहाँ पे पौने इंच का, मतलब पौने इंच की प्लाई, 19 mm की प्लाई के ऊपर पूरा चढ़ा हुआ है। तो ये दरवाजा आपको पूरा चढ़ाने के लिए आपको 0 डिग्री का इंजिस यूज करना रहता है। ये हो गया 0 डिग्री के इंजिस की बात हो गई। तो ये दरवाजा पूरा चढ़ाने के लिए आपको 0 डिग्री का इंजिस यूज करना है और उसकी पहचान क्या है वो भी मैंने आपको बता दी है कि ये पहचान ये है। अभी हम बात करेंगे 8 डिग्री के इंजिस की। तो दोस्तों, ये 8 डिग्री के जो इंजिस है इसमें आपका क्या है, ये देख लीजिए इसमें आपको क्या फर्क दिख रहा है, हल्का सा यहाँ से स्टेप है, ये मतलब 1-2 फुट 1.5 फुट जैसा स्टेप दिख रहा है आपको, ये यहाँ से साइड में से देखोगे ना तो ऐसा स्टेप दिख रहा है और 0 डिग्री में देखो प्लेन है। तो 8 डिग्री के इंजिस की ये हल्का सा प्लेन है और दूसरी बात ये कि इसका जो ये रहता है, ये देखो ये प्लाई के ऊपर कितना है, 2 फुट चढ़ रहा है खाली, और 0 डिग्री देखोगे तो ये देख लीजिए ये आधा इंच से भी ज़्यादा चढ़ रहा है। तो इसकी ऐसे भी पहचान कर सकते हो कि आप इसको ऐसे रख के आप लगाओगे। तो ये इंजिस का लगता है, ये इंजिस यहाँ पे मैं एक खाली सैंपल बता रहा हूँ, ये इंजिस आपको यहाँ से ये धार है, तो ये जहाँ पे दो दरवाजे आते हैं, जहाँ पे ये दो दरवाजे आते हैं वहाँ पे 8 डिग्री का इंजिस का यूज होता है। ये दो दरवाजे जहाँ पे एक साथ में खुलेंगे ऐसे, वहाँ पे आपको 8 डिग्री का इंजिस का यूज करना है। और दूसरा जो 0 डिग्री का सिंगल, मतलब पूरा दरवाजा एक ही दरवाजा, एक पीस पे एक ही दरवाजा आने वाला है, वहां पे आपको 0 डिग्री यूज करनी है। अभी मैं बता देता हूँ आपको 16 डिग्री की क्या पहचान है। अभी 16 डिग्री में देख लो, जितना ये इतना नीचे है, जितना मोटा इतना स्टेप पूरा जेड बन गया, ये देखो ये पूरा जेड बन रहा है, कितना बड़ा बन रहा है, इतना जेड बन रहा है। और दूसरी पहचान इसकी क्या है, आप इसको प्लाई के ऊपर रखोगे तो ये देखो आपको ये, दूसरी बात इसकी क्या है, पहला तो ये स्टेप बड़ा दिखेगा आपको 8 डिग्री से, और दूसरी स्टेप ये कि आपको ये धार पे बिल्कुल नहीं चढ़ेगा, 2 फुट और भी ऊपर रहेगा, और ये इंजिस एक 2 फुट चढ़ रहा है और 0 डिग्री आधा इंच से ज़्यादा चढ़ रहा है, और 8 डिग्री 2 फुट चढ़ रहा है, और ये 16 डिग्री बिल्कुल नहीं चढ़ रहा है। ये 16 डिग्री कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हमने 0 डिग्री यूज होता है ऊपर चढ़ने के लिए, 8 डिग्री होता है आधी धार पे चढ़ने के लिए, और 16 डिग्री इंजिस यहाँ पे यूज होता है आपको दरवाजा प्लस करने के लिए। दरवाजा अगर धार के लेवल टू लेवल करना है तो आपको 16 डिग्री इंजिस की जरूरत पड़ेगी। इसी जानकारी दी है नए मिस्त्री भाइयों के लिए, बहुत ही अच्छा वीडियो है। हेलो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे से आगे ऐसे नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।